हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैप बना रहे हैं कान्हा जी के लिए, जिसके लिए मैंने एनवेलप लिया है। इनविटेशन कार्ड आप ले सकते हो। कान्हा जी की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसे कट करना है। हेड का मेज़रमेंट लोगे। मैंने इस मेज़रमेंट लेके कट कर लिया है। अभी हम कान्हा जी के लिए कैप बनाने वाले हैं लाइक दिस। ओके, सो इसमें हमें ऐसे स्टिक करना है। मैं ग्लू गन की हेल्प से इसे स्टिक कर रही हूँ। आप कोई भी गम यूज़ कर सकते हो। ये मैंने ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया। ओके, आप कोई भी पेपर ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग पेपर, इनविटेशन के पेपर्स आते हैं, एनवेलप पेपर्स कोई भी आते हैं, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें हमें उलन चाहिए, कुछ उलन, कलरफुल भी आप ले सकते हो और विदाउट कलर के भी। सो मैंने उलन को ऐसे कट कर लिया है। आप स्मॉल और बिग कोई भी साइज के कर सकते हो। उसे मैंने हाफ ऐसे फोल्ड किया, फिर हम ऐसे करेंगे और इसके नीचे से ऐसे अंदर की ओर थ्रेड को करेंगे, फिर ऐसे टान देंगे, खींच लेंगे, ठीक है। ये मैं पूरा रेड कलर से बना रही हूँ। आप इसे कलरफुल बनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी मेरे पास रेड कलर अवेलेबल है, सो मैं इससे बना रही हूँ, ठीक है। बहुत ही इजी है इसे बनाना, विदाउट किसी सुई और की ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखो, ये सेम हमने ऐसे किया और नीचे की ओर लेकर आ गया। इसे हाफ फोल्ड करते हैं हम। ये थ्रेड है हमारा, इसे हाफ फोल्ड किया ऐसे, मैं फिर से बता रही हूँ, और इसे अंदर की ओर लेकर जाएंगे, फिर बाहर की ओर ऐसे नीचे की ओर, ठीक है। सो ऐसे ही हम सारे इसे कंप्लीट करेंगे। मेरे पास अभी रेड है तो मैं रेड ही बना रही हूँ, अदरवाइज़ 2-3 कलर्स के और भी बहुत प्यारे लगेंगे, है ना। बहुत आसान, बिना सिलाई और बुनाई के। देखो, अंदर की ओर किया और इसे नीचे की ओर हाफ फोल्ड करेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब कान्हा जी का मेजरमेंट ले लोगे हेड का, और उसके बाद आप बनाओगे इसे। सेम मैं ऐसे ही फिल करती हूँ, ठीक है, ये ऐसे। ओके, तो फ्रेंड्स मेरा ये कंप्लीट हो गया है। ये मैंने ऐसे कंप्लीट कर दिया। अब हम इसे अंदर की ओर ऐसे करेंगे, अंदर की ओर लाइक दिस, ठीक है। आप ऊपर की ओर से भी कर सकते हैं, बट ऐसे करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा कैप। सो फिंगर की हेल्प से अब हम इसे ऐसे करेंगे। ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर लेंगे। पहले हम सेम कलर का थ्रेड या कोई भी थ्रेड से आप इसे ऐसे बांधोगे। मैं बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, ये सारे अंदर चला गया। अब हम, मैंने सेम कलर का थ्रेड लिया है और इसे ऐसे यहाँ से क्लियर है, हाँ, ऐसे बांध लेंगे यहाँ पे। आप कान्हा जी के हेड के अकॉर्डिंग इसकी साइज़ को छोटा बड़ा बना सकते हो। और इसे अगर हम ज़्यादा कलरफुल बनाएंगे ना, 2-3 कलर मिक्स करेंगे, तो ट्रस्ट में बहुत ही प्यारा लगेगा ये कैप। सो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, ये ऊपर के बहुत सारे पार्ट्स थोड़े लंबे और छोटे हैं ना, उसे मैं ऐसे सीज़र की हेल्प से कट कर रही हूँ, ठीक है। ये कुछ रह गए, इसे हम साइड करेंगे और ये कैप कुछ और पार्ट्स हैं जो अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसे भी हम कट कर लेंगे। सो अभी हमारी ये कान्हा जी की कैप रेडी है। कैसी लग रही है फ्रेंड्स, आप ज़रूर कमेंट्स पे बताएं।
और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।